हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर एंड माइसेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 4, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक पार्ट 2। दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके यूनिट थ्रू रेल ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके लेक्चर 1, 2, 3 में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। लेक्चर 3 में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। वही चीज को हम आगे बढ़ाते हुए उसके पार्ट 2 में हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के कर्व्स, सुपर एलिवेशन और कांट डिफिशिएंसी जैसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक पार्ट 2। सो सबसे पहले कंटेंट पे ध्यान दे देते हैं कि हमने नेसेसिटी ऑफ जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है रेलवे की, उसके बारे में डिस्कस किया था। ग्रेडियंट और ग्रेड कंपेंसेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम बात करने वाले इन सब टॉपिक के बारे में। तो कर्व्स के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और उसके बाद सुपर एलिवेशन, कांट डिफिशिएंसी और नेगेटिव सुपर एलिवेशन के बारे में मैं समझाऊंगा। सो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कर्व्स। सो रेलवे ट्रैक है, सबको पता है कि कोई भी ट्रैक अलाइनमेंट है तो होता है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा लेंथ तक स्ट्रेट नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं पे हमारा जो लैंडस्केप है, हमारा जो हम आसपास जो हम लैंडस्केप देखते हैं, प्लेन है या हिली है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेविएशन आने वाला है। तो ये जो डेविएशन आता है, ये जो टर्निंग आता है, जिसको हम कर्व्स बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी नेसेसिटीज क्या है रेलवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेसेसिटी ऑफ कर्व्स ये है कि टू कनेक्ट द इम्पोर्टेंट प्लेस, कि अगर इम्पोर्टेंट प्लेस है मेरा कोई भी जगह पे रेलवे ट्रैक स्ट्रेट जा रहा है, बट अगर पास में ही कोई इम्पोर्टेंट सिटी है जिसको कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए मुझे कर्व्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा रोल अलाइनमेंट टर्न लेगा कर्व्स पे और उस इम्पोर्टेंट सिटी को हम कनेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से कनेक्शन के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए, लॉन्गर एंड इजियर ग्रेडियंट बनाने के लिए, अर्थवर्क को बैलेंस करके उसका एक्सेलरेशन और कटिंग में उसकी वजह से हेल्प होगी, तो जो हम कर्व्स दे देंगे, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए कर्व्स की नेसेसिटी बहुत ही है। हम सबको पता है कि अगर हमारा अलाइनमेंट स्ट्रेट जा रहा है तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई की तालाब है या कोई ऐसी चीज है जिसको हम ज्यादा मूव नहीं करा सकते, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको थोड़ा डेविएट होके कर्व्स देके अलाइनमेंट को डेविएट करना पड़ेगा ही। और इजियर ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए, लॉन्गर ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए, अर्थवेक और एक्सेलरेशन और कटिंग, इन सभी चीजों के साथ साथ कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए भी कर्व्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स इज स्पीड इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, डीरेलमेंट एंड कॉलिशन, अनइक्वल डिस्ट्रक्शन ऑफ लोड ऑन रेल एंड मोर फिटिंग आर नीडेड टू प्रिवेंट लेटरल बेंडिंग ऑफ रेल। सो इस नेसेसिटीज को फॉलो करने के लिए जो ऑब्जेक्शन हो गए, अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कर्व्स, तो यहाँ पे ये सब स्पीड में रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉलिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डीरेलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेजरली टू टाइप्स ऑफ कर्व्स है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व्स है वो बेसिकली प्रोवाइडेड व्हेन द चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, कि जो रोड अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट में चेंजेस आता है तब हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। सर्कुलर और पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व्स आर प्रोवाइडेड एट द आइदर एंड, अगर कोई एंड पे सर्कुलर और पैराबोलिक कर्व्स है तो उसके लिए भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स का यूज करेंगे। वर्टिकल, बेसिकली वर्टिकल कर्व प्रोवाइड व्हेन द चेंज इन ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, सडनली राइज एंड फॉल या अप एंड डाउन, ठीक है, तो वहाँ पे जो कर्व्स हम बनेंगे उसको हम वर्टिकल कर्व्स बनेंगे। वैली कर्व और समिट कर्व ये वर्टिकल कर्व्स के पार्ट है, और पैराबोलिक कर्व्स है वो भी वर्टिकल कर्व्स का पार्ट है। तो यहाँ पे मेजरली टू टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स।
दूसरा टॉपिक है रेडियस और डिग्री ऑफ द कर्व। सो बेसिकली जो डिग्री है कोई भी कर्व पे जो डिग्री है उसको हम डिफाइन करेंगे एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर बाय द चॉर्ड ऑफ द लेंथ 100 फीट और 30.48 मीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व मुझे डिफाइन करना है, ये मेरा रेलवे ट्रैक है 30 मीटर का सर्कुलर कर्व है, ठीक है। तो उसकी अगर रेडियस हमें पता है और सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व के हमको डिग्री फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल इक्वेशन है डी अपॉन 30 कि जो रेडियस है उसको हम डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई आर। तो अगर ये मेरा जो डिग्री है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम इक्वेशन में रखेंगे डी अपॉन जितना मेरा लेंथ है कर्व, ठीक है, जहाँ पे कर्व का लेंथ है इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई आर। तो इस हिसाब से हम इसको पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा डी इज इक्वल टू 1720 अपॉन आर। सो इस इक्वेशन में हम रेडियस को पुट करेंगे तो हमको डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो डिग्री मिलेगी उसको हम डिग्री ऑफ कर्व्स बोलते हैं। डिग्री ऑफ कर्व्स बेसिकली टू फैक्टर पर डिपेंड करती है और जो टू फैक्टर रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो है व्हील बेस और शार्पनेस ऑफ द कर्व्स कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है उसका व्हील बेस क्या है और जो कर्व्स है वो कितना शार्प है। तो जब हम सुपर एलिवेशन को इंक्रीज करते हैं विद डिग्री ऑफ कर्व्स के साथ तो उसको वहाँ पे जो व्हीकल स्टेबल होने की जो लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल ब्रॉड गेज है हमारा ट्रैक और मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व्स डी है ब्रॉड गेज के लिए 10 और मिनिमम रेडियस रहेगी वहाँ पे 175। तो यहाँ पे 10 डिग्री और 175 रेडियस रहेगी तो वो है ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज के लिए डिग्री ऑफ कर्व्स 16 रहेगा और मिनिमम रेडियस रहेगी 109 और नैरो गेज के लिए डिग्री ऑफ कर्व्स रहेगा 14 और उसकी मिनिमम रेडियस रहेगी 44। तो इस हिसाब से हम डिग्री और रेडियस को इस इक्वेशन के थ्रू और इस स्टैंडर्ड टेबल की वजह से हम डिग्री ऑफ रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा वो है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व्स। सुपर एलिवेशन और कांट रेलवे जियोमेट्रिक डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सुपर एलिवेशन। हमने हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में सुपर एलिवेशन के बारे में जो देखा था वही चीज यहाँ पे है कि जैसे कि हाईवे में इनर और आउटर जो डिफरेंस हम रखते थे, शार्प कर्व सडनली आ जाता है तो हम इनर और आउटर लेंथ में डिफरेंस रखते हैं। सिमिलरली सुपर एलिवेशन यहाँ पे यही है कि दो रेल है तो दो रेल में अगर शार्प कर्व सडनली आ गया है तो उसमें इनर और आउटर हम डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, जिसको हम सुपर एलिवेशन बोलेंगे। व्हीकल नेगोशिएटिंग कर्व इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्टिंग रेडियस आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से रेडियस मूव कर रहा है तो इंक्रीज वेट ऑन आउटर रेल कि जो आउटर रेल है उस पर हमको वेट इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको हम ई से इंडिकेट करेंगे। सो सुपर एलिवेशन की सिंपल डेफिनेशन जो हमने आगे भी देखी है, राइजिंग द लेवल ऑफ आउटर रेल अबोव द इनर रेल एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व सो एज टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीपेटल फोर्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए इनर और आउटर रेल में जो डिफरेंस रखते हैं इसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो नेसेसिटी प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो इफेक्ट है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, मूवमेंट को फास्टर करने के लिए, वियर और टियर जो क्रीपिंग होता है रेल पे उसको कम करने के लिए, व्हील डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली मूव करने के लिए और रनिंग जो ट्रैक है उसको स्मूथली कंप्लीट करने के लिए सुपर एलिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सुपर एलिवेशन के बारे में आपको समझाया। सो सुपर एलिवेशन को हमने इंडिकेट किया ई से, दूसरा है हमारा ग्रेडियंट जी, स्पीड है वी और रेडियस है आर। इन सभी चीजों में क्या रिलेशनशिप है अगर हम इक्वेशन के थ्रू देखें तो जो भी W इज इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल, तो मैं पहले बात करता हूँ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स।
फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू उसका इक्वेशन है डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर जो हमने आगे देखा है। रिजोल्व फोर्स है इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन है सब्सिट्यूइंग वी गेट ई इज इक्वल टू अगर मैं ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर रखता हूँ सुपर एलिवेशन के लिए तो मेरा फाइनल इक्वेशन ये वो रहेगा जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर जहाँ पे जी इज इक्वल टू ग्रेडियंट जो यहाँ पे हम जो गेज रहेगा उस जो ब्रॉड गेज है उसको मीटर में जो ट्रैक मीटर में फाइंड करेंगे नैरो गेज है या तो व्हाट एवर जितना भी गेज है उसको हम यहाँ पे एज अ जी पुट करेंगे तो जी रहेगा हमारा 1.676 अगर ब्रॉड गेज है मीटर गेज है तो 1 और नैरो गेज है तो 0.762। कैपिटल बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल जो किलोमीटर पर आवर में हम फाइंड करेंगे 127 इंटू आर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द व्हीकल। तो हम सबको पता है कि सुपर एलिवेशन में जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगता है वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है उसमें हम रिजोल्विंग फोर्स को काउंट्रैक्ट करें और सब्स्टिट्यूटिंग करें और ई की वैल्यू फाइंड करें तो इस हिसाब से हमको सुपर एलिवेशन का एक रिलेशनशिप वाला ई जी वी और आर के बीच में रिलेशनशिप वाला एक इक्वेशन मिलेगा जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो इस हिसाब से हम सुपर एलिवेशन को फाइंड कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कांट डिफिशियंसी। कांट डिफिशियंसी क्या है? डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांट नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन कर्व्स एंड द एक्चुअल कांट प्रोवाइडेड। जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो एक्चुअल सुपर एलिवेशन है और मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कांट डेफिशिएंसी बोलेंगे। सो कांट डेफिशिएंसी इज अ लिमिटेड ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट वन इज अ हायर कांट डेफिशिएंसी कॉज हायर डिस्कम्फर्ट। अगर ये डिफिशिएंसी ज्यादा रहेगी तो हमको डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहेगा। हायर कांट डिफिशिएंसी कॉज एक्स्ट्रा प्रेशर एंड लेटरल फोर्स ऑन आउटर रेल। अगर ये डिफिशियंसी ज्यादा रहेगी तो सुपर एलिवेशन में जो आउटर रेल है वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स रहेगा और उसकी वजह से वहां पे लेटरल फोर्स आने का आएगा और लोड आएगा जिसकी वजह से ट्रैक डिफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये जो कांट डिफिशियंसी टर्म है जो हमने यहाँ पे समझा कि सुपर एलिवेशन में जो हम देते हैं तो उसमें डिफरेंस रहता है इक्विलिब्रियम में कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड और एक्चुअल कांट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो दो डिफरेंस को हम कांट डिफिशिएंसी बोलेंगे। तो ट्रैक के हिसाब से ब्रॉड गेज है तो वहां पे मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी एज पर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड 7.6 मीटर है। मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 3.8 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम कांट डिफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं शॉर्ट नोट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जल्दी से एग्जांपल रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांट। इक्विलिब्रियम कांट के लिए जो हमको सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे जी प्रोवाइडेड है 1.676 यानी ब्रॉड गेज व्हीकल की स्पीड प्रोवाइडेड है और डिग्री प्रोवाइडेड है। तो हमारा जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1720 अपॉन D। तो ये जो डिग्री है वो प्रोवाइडेड है तो हम R की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है तो जो सिंपल इक्वेशन है हमारा D इज इक्वल टू 1720 अपॉन R तो यहाँ पे हमको डिग्री पता है तो हम R फाइंड कर सकेंगे। तो जैसे हमको R की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को हम E वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो ई वाला हमारा सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको इस हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है तो इस हिसाब से हम कांट डिफिशिएंसी में इक्विलिब्रियम कांट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या है? तो अकर व्हेन द ब्रांच लाइन डाइवर्स आउट ऑफ मेन लाइन।
की कोई भी जगह पे जो मेन ट्रैक है उसके साथ साथ कोई ब्रांच लाइन वहां पे डाइवर्स हो रही है और वहां पे सुपर एलिवेशन है। तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन नेगेटिव साइड में दिया जाएगा। जो आउटर और इनर डिफरेंस है वो ए और बी दोनों साइड नेगेटिव होंगे। जो यहाँ पे हम समझते हैं कि फॉर मेड लाइन कर्व्स आउटर रेल ए सी, यहाँ पे जो आउटर रेल है वो है ए और सी, मस्ट बी हायर देन द इनर लाइन बी डी। ठीक है, सिमिलरली कि ये जो मेन ट्रैक है वहाँ पे जो आउटर लाइन है ए और सी, यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है, तो ए और सी वो बी और डी से हायर देन है इनर और आउटर में ये जो डिफरेंस है। फॉर ब्रांच लाइन, अगर यहाँ पे नजदीक में कोई और ब्रांच लाइन है उसके लिए जो कर्व्स है वहाँ पे जो आउटर लाइन है बी एफ वो हायर रहेगी आइनर लाइन ए ए और बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ई एफ है तो जो बी एफ है वो शुड बी हायर देन द आइनर रेल ए इंटू ई। सो सिमिलरली यहाँ पे हमको पता है कि जो बी है वो हायर है ए के कंपैरिजन में। तो ये जो हमको ब्रांच लाइन कर्व्स में जो सुपर एलिवेशन मिलता है उसको हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आउटर रेल बी एफ ऑफ ब्रांच लाइन कर्व्स इफ कैप्ट लोअर देन आइनर रेल ऑफ ए, ए और ई की जो आइनर लाइन है उससे हम लोअर रखने वाले बी एफ, तो ये जो बी एफ है वो आउटर लाइन से लोअर रहेगी। तो जो लोअर रहेगी तो वहां पे जो सुपर एलिवेशन होगा उसको हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन कहेंगे। तो इस हिसाब से हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों यहाँ पे मैंने रखे हैं। दोनों क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर पे देखने हैं और उसके आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए रख रहा हूँ, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं अनोदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रेलवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, कॉनिंग ऑफ व्हील। कि जो रेलवे ट्रैक पे जो व्हील जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो कॉनिंग ऑफ व्हील एक्शन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें। तो कॉनिंग ऑफ व्हील क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इनर एज ऑफ व्हील फ्लैंज इज कैप्ट 1 सेंटीमीटर। जो इनर एज है व्हील कैप, जो हम उसका जो फ्लैंज है उसका जो डिस्टेंस है वो हम 1 सेंटीमीटर लेस देन गेज रनिंग एज ऑफ रेल ऑन आइदर साइड। वो हम क्या रखने वाले हैं, वो जो डिस्टेंस है आइनर एज का वो फ्लेंज का हम 1 सेंटीमीटर कम रखने वाले हैं आउटर की कंपैरिजन में। अगर ये मेरा रेल है, ठीक है, और ये जो ट्रैक है तो ये मेरा व्हील बेज है और ये रेलवे ट्रैक है रेल का, तो इसका जो आइनर एज का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में डिफरेंस रहेगा। तो आइनर एज का डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर लेस देन रहेगा आउटर एज के डिफरेंस से। जो ये आइनर एज है वो लेस रहेगा आउटर एज के कंपेयर में, तो इसको हम कॉनिंग ऑफ व्हील बोलेंगे। सो थ्रेड ऑफ व्हील इज इट इज एट अ डेड सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द रेल। व्हील इज कॉन्ड टू कीप इन अ सेंट्रल पोजिशन, जिसकी वजह से व्हील सेंट्रल पोजिशन में कॉन्ड रहेगा, और व्हील आर कॉन्ड एट द स्लोप 120, और 120 के स्लोप पे कॉनिंग होगा व्हील का। इसके बहुत सारे एडवांटेज है कि इसके वजह से हमको जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे जो वियर और टीयर का जो प्रॉब्लम होता है फ्लेंज और रेल के बीच में,
वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कम आएगा। लेटरल मूवमेंट है जो एक्सल का, जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है उसमें ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट इजीली हो जाएगा। और जो स्लीपिंग जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वियर और टीयर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लीपिंग जैसे प्रॉब्लम है उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। किसकी वजह से? कॉनिंग ऑफ व्हील। तो ये जो एक्शन जो रेलवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में देखने को मिलता है उसको हम कॉनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने कॉनिंग ऑफ व्हील, नेगेटिव सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, कान डेफिशिएंसी और रिलेशनशिप बिटवीन सुपर एलिवेशन एंड अदर पैरामीटर, और उसके साथ साथ कर्व्स और रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज के ज्योमेट्रिक, रेलवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।